to Tech Today YouTube news channel. Myself, Lalit Ganatra, ad hoc and press reporter, Tech Today news channel. Here we have with C A Divyesh Sodha from Porbandar. आज का टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हमारी एक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 43 है। तारीख 1 फरवरी 2019 का दिन में जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, उसमें नया सेक्शन 43 है इंट्रोड्यूस किया गया है जो नया रिटर्न आने के साथ लागू कर दिया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक पर उसी बात बारे में हम दिव्येश भाई सोडा से क्वेश्चन आंसर करते हैं। दिव्येश भाई, क्या है सेक्शन 43 है? सेक्शन 43 है, जैसे आपने बताया कि 1 फरवरी 2019 में जो जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसमें गवर्नमेंट जो नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाली है, पहले अप्रैल से करने वाली थी, अब पोस्टपोन हो गया, अब पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर 2019 से वो इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम की जो भी प्रावधान है एक्ट में, वो सारे जो प्रिस्क्राइब किए वो सेक्शन 43 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अगर हम बेसिक डिस्कस करें सेक्शन 43 में क्या क्या मेंशन किया है, तो वो सेक्शन जो स्टार्ट होती है, इट इज प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी अर्लियर जो सिस्टम थी कि सेक्शन 41, 42, 43 में रिटर्न फाइलिंग सिस्टम और क्रेडिट कैसे अवेल करनी है, वो सारे सिस्टम को ओवरराइड करके सेक्शन 43A जो है वो न्यू सिस्टम, न्यू मैकेनिज्म जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कि सबसेक्शन 2 में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिसिपिएंट को कैसे अवेल करनी है वो प्रोसेस प्रिस्क्राइब की गई है। सबसेक्शन 3 में जो सप्लायर है उसको अपनी आउटवर्ड सप्लाई कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, कैसे फिल करना है, वो डिटेल्स प्रिस्क्राइब की गई है। देन सबसेक्शन जो 4 है वो है मिसिंग इनवॉइस के रिलेशन में, यानी कि सप्लायर अगर कोई इनवॉइस जो है वो अपलोड नहीं करता है तो उसके रिलेशन में क्या प्रोविजन है, जो रिसिपिएंट है उसको उसकी क्रेडिट कैसे मिलेगी, उसके रिलेटेड प्रोविजन है। जिसमें कि मेन चीज जो ये नई सिस्टम में जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अगर मिसिंग इनवॉइस है जो कि सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि रिसिपिएंट जो है वो अपने टैक्स पीरियड में पर्टिकुलर सबसेक्शन 3 में जो सप्लायर ने जितने इनवॉइस अपलोड किए हैं उसके 20% तक वो आईटीसी मिसिंग इनवॉइस की अवेल कर सकेगा। तो ये एक मेन प्रोविजन है, थोड़ा सा इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हार्श प्रोविजन है, लेकिन अब एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है तो ये फॉलो तो करना पड़ेगा। देन सबसेक्शन 5 में एंड सबसेक्शन 6 में जो भी मिसिंग इनवॉइस जो है सप्लायर ने अपलोड नहीं किए है और रेसिपिएंट ने उसका आईटीसी क्लेम लिया है, तो उसकी लायबिलिटी किस तरह से होगी वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब की गई है। फर्दर जो करंट प्रोविजन है कि अगर कंसेक्यूटिव 6 टैक्स पीरियड्स के रिटर्न नहीं भरते या कंपोजिशन वाले 2 टैक्स पीरियड्स के रिटर्न नहीं भरते तो उसका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कैंसिल कर सकते हैं जो ऑथराइज पर्सन ऑथराइज ऑफिसर है वो, तो उसके रिलेटेड नए रिटर्न सिस्टम में क्या प्रोविजन है वो भी सब सेक्शन 8 में प्रिस्क्राइब की गई है। सो सेक्शन 43A जो है इट इज ऑल अबाउट नई रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसकी प्रोसीजर और आईटीसी कैसे अवेल करनी है उसके प्रोसीजर रिलेटेड है। यस दिव्येश भाई, सेक्शन की प्लेन रीडिंग से लगता है कि सेक्शन 43A सेक्शन 16(2) को ओवरराइड करती है, तो ये भी हो सकता है कि सप्लायर ए ने माल की सप्लाई बी को की है, टैक्स इनवॉइस भी बी को दिया है पर गलती से अपने रिटर्न में सप्लाई सी को दिखा दिया है, उसका जीएसटी नंबर डाल दिया है, तो क्रेडिट सी को मिलेगी क्या? ये सही इंटरप्रिटेशन है? अब प्लेन रीडिंग करने जाए तो उसी तरह से होता है, लेकिन जब हम किसी भी सेक्शन को स्टडी करते हैं तो उसका प्लेन रीडिंग देखने के साथ साथ उसका बिहाइंड जो उसका बेसिक पर्पस है वो भी देखना चाहिए। अब 43 है, ए जो इंट्रोड्यूस किया उसका हेडिंग भी यही है, प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि वो रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस और आईटीसी कैसे अवेल करने उसके प्रोसेस रिलेटेड है। और सबसे 16 सबसेक्शन 2 है वो आईटीसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहले तो आप अगर एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए, क्योंकि 4 कंडीशन उधर प्रिस्क्राइब की गई है 16 सबसेक्शन 2 में, उसके मुताबिक आप एलिजिबल है, उसके बाद आपको आना है 43A में। अब 43A ये प्रिस्क्राइब ओवरराइड करता है टू दी एक्सटेंट कि
कि अगर आपके जो सप्लायर ने वो इनवॉइसेस जो कि आप एलिजिबल हो उसकी डिटेल्स अपलोड नहीं की है तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी कि आप एलिजिबल है 16 सब सेक्शन 2 के मुताबिक, आप सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, फिर भी आपका सप्लायर अगर वो डिटेल्स अपलोड नहीं करता है तो आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। टू दैट एक्सटेंट 43A है वो ओवरराइड करता है 16 सब सेक्शन 2 को। यस सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या ए सेक्शन 43A कंपोजिशन करदाता को भी लागू होगा? जी नहीं, कंपोजिशन डीलर के लिए तो जो ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है जो कि प्रिस्क्राइब की गई है करंट ईयर से कि उसको एनुअली रिटर्न फाइल करना है और क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना है, वही प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल है, सेक्शन 10 में ही वो कवर होंगे। 43A ओनली फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपोजिशन डीलर्स। सर हमारा अगला क्वेश्चन है, इस नए सिस्टम से अगर सप्लायर के अपने रिटर्न में कोई सप्लाई नहीं दिखा जाए तो रिसेप्शन को क्रेडिट नहीं मिल सकती, क्या ये कहना सही होगा? अगर उसने अपलोड नहीं किया तो क्रेडिट नहीं मिल सकती, ये कहना सही होगा? जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने डिस्कस किया कि आप एलिजिबल हो 16 सब सेक्शन 2 के मुताबिक, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो ओवरराइड करता है टू द एक्सटेंट कि आपको जरूरी है कि सप्लायर भी उस वो आपका जो डिटेल्स है इनवॉइस का डिटेल्स उसने अपलोड किया हो, वो अपलोड किया है और आपके एनेक्सर 2 जो पहले GSTR 2 था अभी एनेक्सर 2 है, तो एनेक्सर 2 में शो कर रहा है, तभी आप उसको एक्सेप्ट मॉडिफाई वैलिडेट या डिलीट कुछ भी उसमें एक्शन कर सकते हो, अगर उसमें शो कर रहा है तभी आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। सो एलिजिबिलिटी के साथ साथ ये प्रोसीजरल पार्ट भी अभी कंपलसरी हो गया है कि आपके एनेक्सर 2 में वो शो होना चाहिए तभी आप क्रेडिट क्लेम कर सकोगे, वरना नहीं कर सकते। ओके, अगर सप्लायर और जो गुड्स रिसीव करता है दोनों अगर कोई ट्रांजैक्शन न बताए तो ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदारी किसकी बनेगी? 43A सबसेक्शन 6 जो है उसमें ऐसा प्रावधान है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो कि सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है, रिसिपिएंट है वो उसका ITC क्लेम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में सप्लायर और रिसिपिएंट जॉइंटली और सेवरली यानी कि इंडिविजुअली तो लायबल है, जॉइंटली भी लायबल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजों के लिए पूरे जो सेक्शन है उसमें एक ही मेंशन किया है कि एज में बी प्रिस्क्राइब। सो जो भी प्रोसेस होगी उसमें किस तरह से दोनों लायबल होंगे, किसके पास से रिकवरी होगी, ये सारा जो मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट अभी बाय वे ऑफ रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी, वो आज की डेट तक अभी तक वो प्रिस्क्राइब नहीं किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से रिटर्न है जो कि सेक्शन 43A के तहत लागू होंगे? सेक्शन 43A में जो नई रिटर्न सिस्टम गवर्नमेंट लागू कर रही है तो उसमें मेनली 3 रिटर्न होते हैं, सुगम, सहज और नॉर्मल। सर आपकी कोई स्पेशल कमेंट इस बारे में 43A के बारे में? यस, स्पेशल कमेंट तो एक तो मेन चीज क्लेरिफिकेशन जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, जो कि पहला ही क्वेश्चन था कि सेक्शन 16(2) को ये सेक्शन ओवरराइड करती है कि नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ प्रोसीजरल पार्ट पे ओवरराइड करती है, एलिजिबिलिटी पार्ट पे नहीं, तो पॉसिबल हो तो उसमें क्लेरिफिकेशन आना चाहिए ताकि आगे जाके इसमें कोई डिस्प्यूट ना रहे। सेकंड चीज कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में सारी चीजें एज में बी प्रिस्क्राइब, गवर्नमेंट ने रिटर्न के फॉर्म्स भी दे दिए हैं, लेकिन फॉर्म्स का आप टाइटल देखेंगे तो उसमें अंडर रूल फिर डैश 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 यानी कि बीच रूल, रूल्स अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुए। सो गवर्नमेंट चाहती है कि अक्टूबर से ये रिटर्न सब इंप्लीमेंट हो जाए और वो फॉलो करवाना चाहती है, तो दे शुड कम आउट एट द अर्लीस्ट विद द रूल्स ताकि जो भी इसमें इनकन्सिस्टेंसी हो या सबके माइंड में डाउट्स हो वो अर्लीस्ट क्लियर हो सके। यस ओके सर, थे हमारे साथ दिव्येश भाई सोढ़ा पोरबंदर से जो हमें सेक्शन 43A के बारे में बता रहे थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने टेक्स फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।